वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एज़ मी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं सिंगिंग वीडियोस बनाती हूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप जाके सुन सकते हैं। कभी कभी मैं उस पर कवर सॉन्ग्स अपलोड करती हूँ। और आज के वीडियो के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, ये मेरा एक इंट्रो वीडियो समझ लीजिए। अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ और वीडियोस मेरे इस चैनल पे अपलोड कर सकूँ, चाहे वो अनबॉक्सिंग के हो या रिव्यू के हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगती है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा, वो मैं करूँगी। और अभी के लिए इस वीडियो में मैंने आज एक खजूर टमाटर की चटनी की रेसिपी ट्राई की थी, सो मैं उस वीडियो को इसके साथ ऐड कर दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। और अगर आप ट्राई करते हैं तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैंने उसको बनाते हुए क्या चीज़ों की कमी रखी है। आज के लिए इतना ही, मैं आती रहूँगी अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज़ लेकर। और अभी के लिए सेफ़ रहिए, खुश रहिए, बाय। सो हमें चटनी बनाने के लिए इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने अभी टोमेटो को बारीक कट कर लिया है और ग्रीन चिली को भी, और डेट्स को मैंने काट के उनके सीड्स निकाल दिए हैं। आप डेट्स के भी छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं अच्छे से फ्लेवर आने के लिए। अभी हम ऑयल, जैगरी पाउडर और थोड़ा सा शुगर लेंगे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, फिर हमें लगेंगे मसाले और शुरू करते हैं। तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल लिया है, ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है, आप जो भी अपनी पसंद का ऑयल चाहते हैं वो ले सकते हैं। ओ, मैं स्लैब में मेरा शक्ल दिख रहा है, अभी नोटिस किया मैंने। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तभी किचन में आसपास से कुछ नॉइज़ भी आ रही थी। और अभी ऑयल में मैंने राई, ज़ीरा और सौंफ डालना है। तो इसके अच्छे से गर्म हो जाने के बाद और राई, जीरा, सौंफ जब अच्छे से भुनने लग जाएगा तब उसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो ये भुन चुका है अच्छे से, ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें हम लोग ग्रीन चिली पहले डालेंगे। और क्योंकि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो चिली को बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अच्छे से फ्राई हो रही है, तो उसमें हम जल्दी से ऐड कर देते हैं टमाटो। टमाटो मॉइस्ट होते हैं, उनका अपना वाटरी होता है, तो वो थोड़े से अपने वाटरी होते हैं, तो उसमें हमें अलग से कुछ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक डालने के बाद वो ऑलरेडी मॉइस्ट हो जाएगा और ज़्यादा, तो पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अभी हम डेट्स डाल देंगे छोटे छोटे पीसेस करके, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे। तो गाइस, मैंने जैसे बताया मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ी नर्वस भी हूँ और मेरा वॉइस ओवर में भी आपको बोरिंग लग सकता है, पर मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी और अच्छा करने का। अब मैं ऐड कर रही हूँ, तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और बाकी सारे मसाले जो भी है, आप अपने स्वाद अनुसार उनको ऐड कर सकते हैं जितना चाहिए उतना। यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली। खट्टा मीठा चटनी होता है, थोड़े से मसालों का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है, तो वो अपने स्वाद अनुसार आप उसको ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अभी हल्दी के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, पर आपको थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि सिर्फ हींग का फ्लेवर आए, हल्का सा जो उसमें मिक्स हो जाता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। अब मैं इसमें जैगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। डेट्स की वजह से मीठापन होता है लेकिन वो पूरे उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो हम जैगरी पाउडर और शुगर डाल देते हैं। मैंने शुगर और गुड़ दोनों इसलिए यूज़ किया, दोनों का मीठापन अलग होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दोनों ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि नमक डालने से वो ऑलरेडी मॉइस्ट हो चुका है,
अब इसे आप लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट ढक के रख दीजिए और ये बस उसके बाद तैयार हो जाएगा। और ये है फाइनल, कुछ ऐसा बना था, बहुत यमी था। आप भी ट्राई कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।